हमने इंडिपेंडेंट मांग की, इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम देखो, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे कुछ एजेंसी का सरकारी तंत्र के कुछ शामिल लोगों का नाम आया है अखबारों के माध्यम से भी, उनके ऊपर जो है एजेंसियां जांच करें। इतने बड़े बड़े अधिकारी अगर शामिल हैं तो जो कुछ यहाँ की लोकल बाद में जब जांच आएगी तो इसका क्या भरोसा। वो मैनेज करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, इनफैक्ट हमें कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं एजेंसियां। हम इसलिए कहते हैं कि बड़ी एजेंसी को इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करने आने वाली एजेंसी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि बड़ी एजेंसी को इसका जो इंडिपेंडेंटली इसकी जो है जांच कर सके, जो कैसे टेंडरिंग प्रोसेस में हेर फेर कराया गया धांधली करी गई, उनको कैसे जो है इस धांधली को एग्जाम दिया गया, वो सारे के सारे कल्पिट जो हमें बिहाइंड द बार जाए। और मेरी ये मांग रही है कि भाई जो जो इसमें कल्पिट पाया जाएगा, वो अगर वो एस्पिरेंट है या कोई पेरेंट है उसके बच्चों तक को, अगर पेरेंट है तो उसके बच्चों को जो एस्पिरेंट है उनको फॉरएवर के लिए JKSSB बैन करे, ताकि आगे के लिए वो ऐसी कोई नया हथकंडा अपना के बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले। इस जो सारा प्रोटेस्ट है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे एज रिलैक्सेशन लेके आए थे, उनके साथ भी ये इन लोगों ने मिलकर खिलवाड़ करा है, वो पहले ही एज रिलैक्सेशन क्वांटिटी मिली थी। लेकिन इस तरह की धांधलियां जो है यूथ का जो है, जो एस्पिरेंट्स उनका भरोसा उठ रहा है, ये पहली बार सवाल नहीं उठे हैं। उसका कारण ये है ये जो लोग, जिन लोगों ने अभी एग्जाम प्रोसेस कंडक्ट कराया है, इनके ऊपर सवाल उठे हैं पहले भी। JKSSB ने कैसे एक टेंडरिंग प्रोसेस में कैसे लास्ट मूवमेंट में चेंज करा, ये बड़ा आप लोगों की बात को मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा। आप खुद दे सकते हैं जजमेंट है, एक जो कंपनी का नाम है एनडी इन्फोसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूटी, तो ये जजमेंट आई है, कोर्ट में केस गया है। जब आप उसको पढ़ेंगे आप पाएंगे कि उसको बताए बिना ही, जो कि L1 था, L1 में बता दूं लो एस्टिमेटर जो रहता है उसको टेंडर मिलता है, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि भाई लास्ट मोमेंट में बिना उसको बता के किसी और कंपनी को दे दिया, जो कि इनके साथ पहले भी जो शामिल थी, पहले जो पेपर करते थे, तो ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं इनकी जो इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करनी है वो वही थी जो ये जो कारनामा दिखाया, सीक्रेसी यही थी जो इन्होंने कारनामा करके दिखाया है। चार चार लोग समाचार पत्रों की पहले पन्ने की खबर बनी है कि जम्मू का एक पावरफुल व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा है, कहीं ना कहीं इसकी शामिल होने की खबर आ रही है। क्या कहीं कौन हो सकता है? हम उनको सिखा नहीं सकते लेकिन फिर भी बता रहे हैं।